हेलो वेलकम टू ऑल टू अर ब्रांड एपिसोड ऑफ डिफेंस इन्फो अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड सो गाइज टूडे वी विल गोइंग टू कवर बायोलॉजी कैप्सूल सुपर सीरीज़ सो ये एक पूरी कॉम्पैक्ट सीरीज़ है जो कि आपको हेल्प करने वाली है अपकमिंग सी डी एस एफ कैट एग्जाम्स के लिए एंड अदर देन दैट अदर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इसमें रहेंगे आपके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड दिस टाइम ये क्वेश्चन अगर हो सकते हैं एग्जाम में एंड गाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है पूरा रिविजन कराने के लिए सो गाइज लेट एस बिगिन नॉ टॉक अबाउट विटामिन गाइज और विटामिन वी नो दैट इट कैन बी अ वाटर सॉलिबल एंड फैट सॉलीबल वाटर सोलिबल विटामिन आर विटामिन बी एंड सी एंड वेयर एज फैट सॉलीबल विटामिन आर विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के विटामिन ई सो गाइज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बस आप बस याद रखिए विटामिन बी एंड सी वो वाटर सॉलीबल है रेस्ट अदर फैट सॉलीबल है अगर ये सिंपल थिंग याद रखते हैं तो आपका रेस्ट अदर थिंग हो जाएगा नॉट टॉक अबाउट विटामिन एंड उसके फंक्शन क्या है तो इसमें गाइज आपको विटामिन के नाम विटामिन ए कौन सा रिलेटेड है कौन से नाम से ठीक है एंड उसके डेफिशंसी uh, होने से उसके क्या सिम्टम्स हैं सो गाइज विटामिन एज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल एंड रेटिनॉल आपको पता होगा गाइज़ uh, ये इसका जो टर्म है ना रेट टी एंड नॉल रेड टी से रेटिना हो जाता है तो इसके कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है नॉट टॉकिंग अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गाइज इसके अंदर कई सारे यू नो सेगमेंट्स हैं तो उस हिसाब से अगर बी वन देखा जाए विटामिन बी वन तो उसमें थाइमाइन आता है अगर इसकी कमी सोचा आपको बेरी बेरी हो सकता है नॉट अबाउट गाइज विटामिन बी टू दैट इज राइबोफ्लेविन और इसको आप इसके कमी के कमी के वजह से आपको चौलिसस चौलेसेस हो सकता है जो कि एक फिजर होता है ऑन द स्किन एंड टॉकिंग अबाउट निका आ, नियाकिन जो कि आपका विटामिन बी थ्री के बस होता है इससे पेलजीरा हो सकता है ठीक है पैलेजीरा तो ये गाइज़ ये आपको पता होगा पेलेजीरा में क्या होता है कि आपकी स्किन सोलिन हो जाती है लिप्स पिगमेंट आ जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ठीक है और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्ज़ाम में नाउ टॉकिंग अबाउट विटामिन बी फाइव दट इज़ पैंथोथेनिक एसिड एंड डेफिशंस इज रेयर ड्यू टू इट्स एबेंडेंस एंड टॉकिंग अबाउट विटामिन बी सिक्स बिच को पायरॉक्सिन भी बोलते हैं और इससे डायबिटीज़ हो सकता है एंड नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज द विटामिन बी सेवन दैट इज ऑल्सो नोन एज द बायोटीन एंड इट कैन कॉज विनो टाइडनेस इसके वजह से आपको टाइटनेस हो सकता है देर आर मस्कुलर डिस्ट्रॉपी एंड ऑफकोर्स गाइज ये आपकी ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली स्किन टीथ के लिए ठीक है हेयर के लिए एंड टॉक्यम विटामिन टॉकम्य फॉलिक एसिड यहाँ पर गलत लिखा है सर विटामिन बी नाइन होगा ये एंड इट इज़ कॉज द मेगा मेगास्टिक एनीमिया राइट तो और विटामिन बी ट्वेल्व से इसको इसका नाम है साइनो कोबा कोबालामिन इससे आपको प्रेनिशियस एनिमी हो सकता है दो अलग टाइप के बीमारी है एंड जस्ट फॉलिक एसिड का याद रखिए इट इज़ विटामिन बी नाइन एंड ग नॉट टॉकिंग अबाउट दी विटामिन सी इट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बिक एसिड राइट एंड एब्जॉर्बिक एसिड जो है इससे कमी की वजह से आपको स्कर्वी हो सकता है मतलब आपके गम्स में जो ब्लीडिंग होती है टीथ में ठीक है इसकी कमी से हो सकता है आपका ये चीज हो सकता है नॉट टॉकिंग अबाउट विटामिन डी इसको कैल्फेरॉल बोल सकते हैं ठीक है तो आप एक जस्ट टर्म लगा लीजिए कि कैल्सीफेरॉल ठीक है कैल्शियम की कमी से हमें क्या हो जाता है ना कि बोन्स हमारे वीक पड़ जाते हैं तो इसी में यही होता है रिकेट्स हो सकती हैं ठीक है थेके? तो इसमें यू नो वीक बोन्स एंड ऑल दैट इज़ यू नो यू नीड टू रिमेंबर नाउ नाट ऑकमि विटामिन एल ई इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं टोकोफेरॉल uh, आपको पता ही जो आर बी सी इज डिस्ट्रक्शन एंड ऑल एंड टॉकिंग अबाउट इसकी कमी के वजह से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ठीक है और विटामिन ई e बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं आपको पता होगा एलोवेरा एंड ऑल जो कि हम स्किन में लगाते हैं ये भी विटामिन ई e से लिंक्ड है टॉकिंग अबाउट विटामिन के जिसको फेलोकिनोन बोलते हैं और इसके वजह से आपको क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो आप जैसे इसको देखिएगा गाइज और जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़ ये विटामिनस सो so now वी विल बिगिन क्वेश्चन बिफोर दैट वी नीड टू नो गाइज कि कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉर बोन एंड टीथ्स राइट फ्लोराइड वी यूज जनरली फॉर आपको बताओगे जो ब्रश करते हैं हम लोग जनरली जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसे क्या होता है ना कि हम इसलिए करते हैं कि टीथ दिखे ना हो राइट सो दैट इज़ द थिंग गाइज एंड टॉकिंग अबाउट दी दी सोडियम पोटाशियम कैल्शियम क्लोराइड एंड वाइड इज इम्पॉर्टेंट यू नो टू मेंटेनिंग द करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल

नाउ एनजाइम्स जो यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है मैग्नीशियम होता है सेलिनियम होता है जिंक होता है फॉर फंक्शनिंग एंड सल्फर इज एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर दी माइनो एसिड एंड आयरन इज इंकॉपरेटेड विद दी ग्लोबिन हेमोग्लोबिन एंड रिलेटेड कॉम्पोनेंट तो आयरन आयरन हमारे जो हेमोग्लोबिन है उसमें मतलब ये बहुत ही इंकॉपरेट कॉम्पोनेंट है वी विल डिस्कस अबाउट द अबाउट दी अदर थिंग्स इन द लेटर इन दिस वीडियो बट नाउ वी विल गोइंग टू बिगेन द क्वेश्चन कंपाइलेशन तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन विच इज़ लेबल एंड ईजिल डिस्ट्रॉयड बाई ड्यूरिंग द कुकिंग एज वेल एज एज द स्टोरेज सो कुकिंग और स्टोरेज में कौन सा विटामिन जल्दी यू नो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो so गाइज मैंने आपको बताया कि जो वाटर सॉल्यूबल जनरली जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी एंड सी स्पेशली जो विटामिन सी है इस ऑप्शन में दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन सो या विटामिन सी विच इज़ अटर यू नो वाटर सोल्यूबल विटामिन आर इजिल लॉस ड्यूरिंग द कुकिंग एंड आर डिस्ट्रॉयड बाई द एक्सपोजर टू द एयर लाइट

तो आपको ये स्कर्वी डिजीज हो सकता है स्कर्वी का जो विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड जस्ट रिमेंबर एंड विटामिन सी एज वेल एज द डी ठीक है जस्ट रिमेंबर नॉट टॉकिंग अबाउट मैरस्कस मैरसमस कॉशिकोर आर कॉज ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ डैश तो ये किसके डेफिशेंसी के कारण होता है ठीक है तो ये uh, uh, ये जनरली जो होता है ये प्रोटीन की कमी के बॉडी से ये होता है ठीक है आपको ये हो सकता है तो ये इसका आंसर है विटामिन द सी ऑप्शन नाउ टॉकिंग अबाउट विटामिन विच इज़ डेफिशंसी इज जनरली सीन इन वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन को कौन सा यू you नो know, uh, आपको डेफिशियसी मिलेगा देखो वे, वेजिटेरियन जो होते हैं उनको यू you नो know, uh, बहुत सारे डेफिशंसी होते हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन बी टवेल्व तो बी ट्वेल्व के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये uh, uh, ये uh, ये रिलेटेड अगर इसके कमी के वजह से आपको यू you नो know, uh, एक एक टाइप का एम भी हो सकता है ठीक है तो इसके जनरली ये रिलेटेड है और इसका मैंने आपको बताया ना कोबाल्ट इसका जो आपका उसका नाम है ठीक है प्रॉपर अगर कोबाल्ट भी याद रखेंगे तो उस रिलेटेड आप आंसर कर सकते हैं एग्जाम में द पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रिकेट्स रिकेट्स किसके वजह से होता है मैंने बोला ना कि अगर आपके बोन्स में यू नो वीक हो जाए एंड ऑल तो ये जनरली बोन रिलेटेड इशू है ठीक है तो पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रिकेट्स तो वो बोन यू नो बोन इशू होता है

विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विच इज़ वन विच वन इज एसेंशियल फॉर द transpiration ऑफ इम्पल्स इन द नर्व फाइबर तो नर्व फाइबर में इम्पल्स पहुँचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम है सो कैल्शियम रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे गाइज तो so, आप जस्ट रिम्बर करना कि कैल्शियम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटिटी है हमारे बॉडी में नाउ टॉकिंग अबाउट एनजाइम्स एनजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ वॉट सो एनजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ वॉट इट्स एन एनजाइम्स इज अ पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स ठीक है तो बहुत सारे अमाइनो एसिड से एंजाइम्स क्रिएट होता है और जो अमैनो एसिड्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है ठीक है ऑफ डाइजेशन इट इज़ कंटेन ऑफ वॉट इट कंटेन्स ऑफ प्रोटीन ठीक है नो टॉकिंग अबाउट गाइज अमैनो एसिड ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट राइट ऑल प्रोटीन्स आर एनजाइम्स ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन नन ऑफ द प्रोटीन इज एनजाइम्स और नन ऑफ द एनजाइम्स इज प्रोटीन्स सो इज़ द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन ठीक है सब प्रोटीन सब एन्जाइम्स जो है वो प्रोटीन है इंसुलिन इज अ यू नो हॉर्मोन विच सीक्रीट फ्रॉम सो इसका जो आंसर है सिक्रीट्स फ्रॉम विच तो पैनक्रीज में आपको पता होगा सोमैटोसेटिन ग्लूकागोन इंसुलिन होता है तो पैनक्रीज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट ठीक है और ये इसमें इंसुलिन जो होता है वो आपको बीटा सेल्फ ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगर हंसर मिलेगा ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड सो मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं गाइज इसको पिकुटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड एंड रेस्ट अपार्ट गाइज ऑल्सो रिमेंबर जो थाइरॉयड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे यू नो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है थायरॉयड है एंडोक्राइन ग्लैंड में और जो मास्टर ग्लैंड है उसको पिकुटरी ग्लैंड बोलते हैं हम ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना ये जनरली हमारे एमरजेंसी ग्लैंड जो होता है तो एमरजेंसी ग्लैंड का जो नाम दिया गया उसको एडर्नल ग्लैंड दिया गया ठीक है तो एडर्नल ग्लैंड को हम एमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं तो so, ये कंट्रोल करती है तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर नाउ टॉकिंग एन एंडोक्रियन ग्लैंड विच इज़ बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ठीक है तो इट इज़ वर्क एज अक्ट्रोक्राइन सो यू नो गाइज ये दो काम करती है तो so, हमें पता है कि जो एक्जोक्राइन होता है उसमें यू नो स्वेट ग्लाइंड एंड डीज आर द एग्जाम्पल्स सलाइवा स्वेट ग्लैंड ठीक है तो आपको मिलेगा जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैनक्रीज पैनक्रीज में देखना आइसलेट ऑफ लैंगर हंस भी है एंड इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर एक्चुअली द आंसर इज सी गाइज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ठीक है कट इट कट इट डाउन द आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है यू कैन चेक इट आउट इवन द नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सा है गाइज तो लार्जेस्ट मसल जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो जनरली गाइज uh, वो हमारा है पेल्विक ठीक है तो पेल्विक इज द करेक्ट आंसर नाउ टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारा गाइज वो फ्यूमर है ठीक है जस्ट रिमेंबर फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड यूज इन द एंटी मलेरियल ड्रग्स तो रिसेंटली गाइज हमको पता होगा ना कि हमने हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्विनिन यू एस ए को दिया ड्यूरिंग द पेंडेमिक सीजन दैट हैड हेल्प दैम अ लॉट फॉर यू नो स्पेशली जो कोरोना पेशेंट्स थे उनके लिए बहुत हेल्प किया तो इसमें क्या होता है गाइज uh, इसमें जनरली क्लोरोक्विनिन जो होता है वो एक्चुअली एंटी मलेरियल ड्रग है ठीक है जो क्लोरोक्विनिन है उसको ही हम लोग यूज़ कर रहे थे फॉर दिस पर्पजेज नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिजीज़ तो स्किन डिजीज़ के मामले में गाइज आपको पता है एनीमिया जो होता है वो आर की कमी की वजह से होता है ठीक है पैलजेरिया जो विटामिन बी uh, थ्री है उसके वजह से कमी से होता है ठीक तो है एंड टॉकिंग अबाउट गाइज रिकेट रिकेट तो बोन डिजीज़ है एंड सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी यू नो स्किन डिजीज़ ठीक है स्किन रिलेटेड जो चीज़ है वो पेल्जेरिया से होता है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नॉट टॉकिंग अबाउट गाइज बिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आई थिंक गाइज यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है ठीक है आई uh, थिंक uh, इसमें मिसिंग है कुछ टर्म राइट वी विल डू द इन द नेक्स्ट थिंग ओके ओके ब्लीडिंग ऑफ द गन इज इज़ कॉज बाय द डेफिशेंसी ऑफ वॉट ठीक है तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है शायद रिपीट हो रहा है गाइज ओके एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स वॉट ओके सो एंड्राइन ग्लैंड कौन क्या सिक्रीट करता है तो आपको पता ही होगा गाइस ये सिक्रीट हॉमोनी करता है राइट right? स्वेट नहीं कर सकता वो तो एक्जोक्राइन करता है बाइस के लिवर में होता है राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द करेक्ट आंसर इज बी द स्टोन्स फॉर्म इन ह्यूमन किडनी इज कंसिस्ट ऑफ वॉट सो ये जनरली कैल्शियम ऑक्सीट करता है जस्ट रिमेंबर दिस ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाउ टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी मेजरट इन ठीक है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइज द करेक्ट ऑप्शन इज एक्जोनोमीटर ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट सिक्केल सेले एनिमिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज बाय एबनोमिलिटी इन वॉट ठीक है तो ये किसके एबनॉमिलिटी में हो सकता है तो ये जनरली एबनॉर्मिलिटी जो होता है इसमें आर बी सी के एबॉर्मिलिटी में होता है ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ओके द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है यहां पे डिजीज दिया है और उसका कॉज दिया गया है ठीक है नाउ गाइज अगर इस मैज फॉलोइंग को करें तो हमें स्पेशली जो पता है जो टाइफॉइड है इज अ बैक्टीरियल डिजीज नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट इज मिजल ठीक है मिसल्स इज़ अ वायरस कॉज ड्यू टू वायरस ठीक है एंड मलेरिया मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है एंड डायबिटीज़ इज द वन तो ऑप्शन कैसे हैं गाइस टू थ्री फोर वन तो टू थ्री फोर वन दैट विल बी योर ऑप्शन ए राइट ऑप्शन टू थ्री फोर वन सो गाइज यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया ठीक है इट विल बी ऑप्शन ए राइट टू थ्री फोर वन टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया के वजह से होता है मिसल्स वायरस की वजह से मलेरिया जो है प्रोटोजोआ है ठीक है एंड डायबिटीज़ आपका मेटाबॉलिक डिजीज़ है राइट एंड गाइज इफ यू हैव एनी क्वारीज यू कैन मैंशन ऑन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो राइट नाउ टॉकिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एज़ यू नो कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है इसके अंदर ठीक है तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की बात की जाए गाइज तो इसमें से जो मॉस्किडो डिजीज नहीं है वो है आपका स्लीपिंग सीकनेस ठीक है ये जनरली ये गाइज ये वाला जनरली आपका होता है बैक्टीरिया के वजह से ठीक है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट विच इज़ नोन एज ट्रिपानोसोमा ब्रूसी जिसको सीसी भी बोला जाता है ठीक है ये सी काटने के वजह से भी होता है ना टॉक अबाउट गाइज द नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन वच वी हैव तो कर लिया गाइज़ द ब्लड ग्रुप ए बी एज कॉज इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपेंट बिकॉज ठीक है सो दो ये कौन सा रेसिपेंट जो बिकॉज ए बी आपको पता होगा गाइज जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है और इसके बस ही ये होता है क्योंकि इसके जो एंटीजेंट होते हैं ना इनके अंदर एंटीजेंट नहीं होता जो जहर जो बोलते हैं जिसको ठीक है एंटीजेंट को तो एंटीबॉडी इज़ नॉट फाउंड ब्लड लैक्स इन एंटीजेन तो ऑप्शन सी विल भी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस नॉट टॉकिंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल टॉक अबाउट वेल इज़ अ मैमल ठीक है बैड बी हॉट ब्लड है तो फिश मैमल नहीं है ठीक है तो फिश विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ अ टू चैम्बर यू नो टू चैम्बर इसके फिश के अंदर टू चैम्बर होता है ये मैमल नहीं है और ये इसका ऑप्शन ये करेट आंसर है नॉट टॉकिंग अबाउट क्रैप साइकिल ठीक है क्रैप साइकिल के टेक प्लेस ऑन वॉट सो इट टेक प्लेस ऑन माइक्रो क्वांटिया विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल द टॉकउट गाइज द नेक्स्ट थिंग जस्ट रेम्बर द पॉर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइक्रो कॉन्टिया एंड इट इज हेल्प्स इन द सेलुलर रेस्पिरेन राइवोजोम इट्स वर्क एज अ प्रोटीन सिंथिस ठीक है गॉल्गी बॉडीज सिक्रिएशन ऑफ एनिमिया एंडजाइम्स फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लान्ट लाइजोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है आपको पता होगा लाइजोजोम ये एक सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है वाम आउट ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स एंजाइम्स भेज के वो वाम को आउट कर देती है नौ प्लास्टिड्स जो आपको पता है कि ये आपको प्लांट में मिलता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट्स में मिल जाएगा जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्रोमोप्लास्ट जो कलर देती है ठीक है ल्यूकोप्लास्ट जो कलर नहीं होता है इसका भी आपको मिल जाएगा ठीक है टॉकिंग वो वैक्यूल्स टू मेंटेन द ट्रर्जिटी इनटू द सेल वी रिक्वायर्ड द वैक्यूल नाउ न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर जो उसको बोलते हैं ना है सबका कंट्रोल करता है ठीक है ब्रेन है तो वैट इज न्यूक्लियस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जयलम एंड प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट तो जायलम किसके लिए यूज होता है गाइस आपको पता होगा जायलम जो होता है ना जायलम और फोलेम ठीक है ये दो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में तो जाइलम क्या करता है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है तो जायलम इज़ फॉर दॉटर द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर न टॉक अबाउट फोलियम गाइज तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलीबल प्रोडक्ट इन द फोटोसिथिसिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन एंड ए डॉकस इन द पार्ट ऑफ द वैसक्युलर टिश्यू एंड कॉल एज डैश सो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो होती है ना जिसमें आपकी ग्लूकोज वगैरह जितने भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट होती है जो हमारी कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर मिला के जो आपका ग्लूकोज एंड दी अदर कॉम्पोनेंट फॉर्म करती है ठीक है Uh, जिसमें ऑक्सीजन भी आता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन तो ये फॉलिम ही करती है गाइस जो कि आपके प्लांट में चीज़ें पहुँचाती है खाना एंड नाउ टॉकिंग अबाउट गाइस प्लांट टीशू जस्ट रिमेंबर इट इज़ डिवाइडेड इन टू मैरिस्मेटिक एंड दी परमानेंट टीशू मैरिस्मेटिक टिशू जब आपका ग्रोइंग फेज में होता है ठीक है जब ये होता है तो मेरिस्मेटिक होता है जब मैच्योर बन जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है ठीक है परमानेंट इज कंसिड ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज़ आर द सिंगल टाइप ऑफ टिशूज विच इज नोन एज पैरेंट कामा कॉलिन कायमा स्कैरिन कायमा एंड ऑफकोर्स दॉम्प्लेक्स वन इज जयलम एंड फॉलिम ठीक है एंड जस्ट रिमेम्बर हैव अ हाईलाइट एंड मैरिस्मैटिक आई जैस सेट इट्स हेल्प इन द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट ठीक है वो धीरे धीरे ग्रो होती है दैन द मैच्योर स्टेज में आ जाता है तो वो परमानेंट टिशू हो जाता है दैट इज अवली फॉर्म टिशू ऑफ द मेरिस्मेटिक टिशू एंड गेट मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट इन टू द परमानेंट टीशू नाउ टॉकिंग अब पैरें कायमा ओके इट्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड

नाउ टॉक अबाउट गाइज़ द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ऑफ द टिपिकल न्यूरॉन ठीक है तो डायरेक्शन क्या होता है जनरली वो डेंड्राइट से ठीक है एग्जॉन के अंदर जाता है उसमें बीच में बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं गाइज़ सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन तो जो न्यु, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम स्नैप्सिस बोलते हैं तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर एंड गाइज जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस दैट cell बॉडी विच इज़ नोन एज सोमा आपको ये दिख रहेंगे ना ये मतलब पेड़ जैसे इधर इधर ठीक है मतलब जो फैले हुए हैं ठीक है लकी तो ये आपके dendrites हैं ये क्या करती है मैसेज को रिसीव करती है from द सेल और ये जो axon दिखते हैं ये क्या करती है एक मीडियम है जो कि ये पास करती है मैसेज को ठीक है from द cell बॉडी टू द न्यूरोन और ये जो आपका पूरा एक्शन है ये आपको फिर से जाता है एक टर्मिनल बॉडी में और फाइनली ये जंक्शन ऑफ द सेल में चले जाता है तो आपके देखना दो न्यूरॉन के गैप में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिनेप्सिस एंड नाउ गाइज द करेक्ट पाथवे ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक है सो द करेक्ट आंसर आउट ऑफ विच इज फैले है आर टी देन वेंट्री सेल्स देन आर टीज देन तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मैं ब्लड आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना हार्ट है गाइज जस्ट रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो किस तरह फ्लो करती है आपको यहाँ जानना चाहिए जैसे वेनाकाबा से यू नो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे फ्लो होती है कैसे होती है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करेंगे तो पहले हम पहले जान लेते हैं कि यू नो फर्टिलाइज ओवी डेवलप इन टू अ डैश इन अज्यूसपर्म्स प्लांट तो कैसे एज्यूसपर्म मतलब इन मतलब कैसे डेवलप होती है राइट तो सीड से ही डेवलप होती है राइट द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नोट टॉकिंग ये तो हमने कर लिया गाइज़ ऑन सींग गुड फूड आवर माउथ गेट वॉटर दिस फ्लूड इज एक्चुअली वॉट ठीक है यार हमारे जो uh, जो यू नो सलाइबा होता है उसमें क्या होता है ना एंजाइम्स होते हैं ठीक है तो वो एनजाइम्स ही ऐसा आंसर है तो मोहित वॉज एबसेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ यू नो मसल पेन विच ही क्लेम्स टू बी ड्यू टू द एक्सेसिव यू नो फिजिकल एक्सरसाइज ही हैड डन यसटे दिस पेन इज़ ड्यू टू वॉट उसके मसल्स में बहुत सारे यू नो दर्द हो रहा है और ये उसको लग रहा है कि दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया है और जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना गैस क्या होता है ना कि आपको फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसके वजह से आपको दर्द होने लग जाता है तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो बाइल इज प्रोड्यूस एट वेयर तो आपको पता होना चाहिए इट्स प्रोड्यूस एज लीवर एंड ये क्वेश्चन सी में भी आ चुका है नाउ क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेबल ओके डिजीज इज इनहेरिटेबल इनहेरिटेबल द ऑप करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एक्शन बी कलर ब्लाइंडनेस ठीक है ये इनहेरिटेबल है नाउ इन वॉल्ट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय द डैश ऑफ द हेंड ब्रेन तो वॉमिटिंग सलाइवा एंड ऑल दोज थिंग्स जो होता है ना ब्लड प्रेशर यू नो दिज ऑल दोज थिंग डन बाय होम इट इज डन बाय आवर मेड्यूला ऑब्डंगटा ठीक है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन और द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया सफर्स यू नो लैस गोइटर दिस इज़ बिकॉज ऑफ वॉट जो कोस्टल एरिया में होते हैं वहाँ पर क्या होता है ना सी बहुत नियर में होता है तो सी से हमें क्या मिलता है यार सी से हमें नमक मिलती है नमक में क्या रहता है आयोडीन रहता है ठीक है तो ये तो नहीं हो सकता दे ड्रिंक सी वाटर दे बाथ इन सी वाटर और दे ईट सी वाटर सी फूड तो जनरली यार अगर देखा जाए तो सी फूड जो है वो ले खाते हैं ठीक है तो अगर हमारे अंदर सी फूड जाएगा तो सी फूड में नमक रहता है तो हमें कम चांसेस है गोइटर होने के बट गाइज़ एक चीज़ याद रखना जो पहाड़ी लोग होते हैं ना स्पेशली आप हिमाचल वहाँ पे देख लो तो वहाँ पे यू नो पहाड़ में आपको यू नो आयोडीन की कमी मिलेंगी सॉइल में तो दैट इज़ अ रीज़न वहाँ पे गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा है और द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी सो गाइज आवर वी नो कि हमारे जो जितने क्रोमोजोम्स हैं तो उसमें से दो पेयर तो आपकी सेक्स क्रोमोजोम्स होती हैं जिसको एलोजोम भी बोलते हैं और आपकी बाकी जो फोर्टी फोर होती है ठीक है मतलब फोर्टी फोर यू नो नंबर ऑफ़ पेयर्स जो होते हैं आपके एक पेयर होती है और आपके ट्वेंटी टू पेयर के होते हैं यू नो ऑटोजोम्स तो अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो फोर्टी फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ टॉकिंग अबाउट डैश इज़ द कॉमन ट्यूब कॉमन ट्यूब इन द यूरिन एंड द स्पर्म ऑफ द ह्यूमन मेल सो ह्यूमन मेल में जो यूरिन और स्पर्म इन जो कॉमन ट्यूब होता है वो जनरली एक ही होता है दैट इज़ योर

नॉट टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ ए इंडिविजुअुअल ऑफ़ अ पार्टिकल इन द ट्रेड इज कॉल्ड वॉट तो जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है ना गाइज़ जीन्स का एक्सप्रेशन तो ये आपका ये कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाता है वो जेनोटाइप दिखाता है अगर आपका फिजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं तो वो फेनोटाइप होता है ठीक है तो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इसमें गलत दिखाए गाइज ये ऑप्शन बी होगा ओके तो आपका जो ज, जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो जेनोटाइप दिखाता है और फिज़िकल जो एक्सप्रेशन होता है जो फिजिक वो होता है उसको आप फेनोटाइज बोलते हैं ठीक है नाउ टॉकमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू इन मशरूम बिलोंग्स तो तो मशरूम जो बिलोंग्स होता है वो फंगी राइट फंगी से बिलोंग करता है तो इस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बी सी जी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू दी इम्यूनिटी फ्रॉम तो बी सी जी एक्शन हम जनरली किस में करते हैं और ये देखना ये जिन्होंने इन्वेंट किया था उनके नाम पर ये रखा गया है तो बी सी जी जो है वो ट्यूबिक्लोसिस के रिलेटेड हम यूज़ करते हैं ठीक है इंजेक्ट करते हैं नाउ टॉकउट गाइज रेस्पिरेशन रेस्पिशन किसके एबसेंस की यू नो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरीशन तो जनरली आपको पता है यार इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखो एरोबिक में नहीं होगा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट विल यू नो प्रोड्यूस योर योर ग्लूकोज एंड दॉटर बट ये इस केस में नहीं होगा ये एनोरोबिक ये होगा ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है गाइज क्योंकि ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इधर इंटू इथाइल एल्कोहल और एज इन द बैक्टीरिया और ईस्ट और इन टू अ लैक्टिक एसिड एज इन द मसल ऑफ अ मैन दिस इज द एनोरोबिक रेस्पिरेशन एंड ये किसके लिए बस आ, होता है आपको देखो ग्लूकोज इट विल एल्टू इधर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ठीक है एंड द एनर्जी विल बी रिलेटेड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस और जस्ट रिमेंबर यार ये एनर्जी भी जो होता है वो ए टी पी के रिलेटेड होता है एड ट्राइफॉस्फेट सो बियर एंड वाइन्स आर फॉर्म्ड बाय वॉट सो वो सडनेस होता है ठीक है और पचने को हम फर्मेंटेशन जो होता है ना फर्मेंटेशन के वजह से ये होता है सो so, ये एक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सो राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज कंटेन ऑफ वॉट जो right you know, राइट पार्ट होता, होता है उसमें आपका यू नो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ठीक है और जो आपका लेफ्ट सेल होता है लेफ्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड रहता है ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइज जो राइट पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है और लेफ्ट पार्ट होता है उसमें डी रहता है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो आप जस्ट रिमेंबर करिए आर डी ओके 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 वेट अ मिनट गाइस या इट इज़ आर डी ओके जस्ट रिमेंबर राइट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट इज ऑक्सीजनेटेड तो अगर हम इसको अच्छे से देखें गाइस मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ गाइस अगर हार्ट के बारे में देखा जाए ठीक है हमारे ये जो हार्ट है ठीक है तो आ, ये हार्ट जो है ठीक है इसमें यू नो you know, हमारे हार्ट में फोर चेंबर हार्ट है तो आर टी ठीक है और वी आर टी और वी ठीक है तो ये आपका राइट आ, इसको इस हम हार्ट को इस तरफ से हम राइट लेते हैं और इस तरफ से लेफ्ट लेते हैं तो राइट तरफ हमारा क्या आता है जो हमारा ऊपर एक वेना कावा होता है गाइस वेना कावा से आपका डिऑक्सीनेटेड ब्लड घुसता है और वो आर टी से आता है तो यहाँ पे भी हमारे वैल्व होते हैं ठीक है तो ये होता है ना कि यहाँ पे इस वैल्व्स के थ्रू ये आ, ये आती है आपकी मतलब वेनकावा से ठीक है और वो निकल जाती है पलमनेरी आर्टी से ठीक है और यहाँ पे क्या होता है ना कि ये इसके अंदर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ठीक है वो आती है आपकी वो आपकी आ, निक, आ, क्योंकि वेनाका इस साइड होता है और वहाँ पे आपकी पलमनेरी वेन से इसकी ऑक्सीनेटेड ब्लड निकल जाती है ठीक है चली जाती है ठीक है तो याद रखना ये जो आपकी हार्ट है ठीक है हार्ट का आपको मिल जाएगा सैम्पल ठीक uh, 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 है आई थिंक दी एन सी आर टी विल हेल्प यू टू गिव द ऑल द डिस्क्रिप्शन ठीक है रिगार्डिंग दिस और जस्ट आप रिमेंबर करिए ऑक्सीजनेटेड बट डी ऑक्सीनेटेड कैसा रहता है हार्ट का क्या सैम्पल रहता है ठीक है क्योंकि मैंने वो पिक्चर बनाई नहीं है तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता था विद एक्सप्लेनेशन नाउ टॉकिंग अबाउट गाइज दी दी अदर क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट ठीक है तो फ्लावरिंग प्लांट Uh, जो होता है इसमें मेल uh, क्या होता है ठीक है जस्ट आप याद रखिएगा ये स्टामिन जो होता है ठीक है ये आपका मेन ऑर्गन है और जो कारमेल है वो फीमेल के केस में ठीक है अगर फीमेल के केस में हो तो कारमेल होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर द डैश इज अ हार्मोन दैट प्रमोट्स डोमेसी ऑफ सीड तो डोमेसी ऑफ सीड जो होता है वो एप्सिसिक एसिड से जो होता है उसके वजह से डॉमेसी हो जाती है मतलब ग्रोथ कम हो जाती है ठीक है वो मतलब एक संतुलन में रहता है नाउ टॉकिंग आउट गाइज द इन विच ऑन ऑफ़ द फॉलोइंग द एंटी बॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन आपको कहाँ पर टेक प्लेस होगा विच जनरली टेक प्लेस ऑन द ब्लड प्लेटलेट्स द विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल दू नो इमोशन रिएक्शन इन आवर बॉडी तो ये हमारे इमोशनल रिएक्शन जो होता है वो लिम्बेटिक यू नो सिस्टमिक होता है जो इमोशन हम आपको मतलब बैलेंस करवाता है नाउ टॉपिंग विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटिंग इन द सेंटर ऑफ स्वाइलोइंग एंड वॉमिटिंग ये हमने शायद कर रखा है गाइज तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस मेडुला मेड्यूलाब्लंगाटा सो जस्ट रिमेंबर गाइज द ब्रेन ऑफ यू नो ब्रेन इज मेड ऑफ सेरिब्रम सेरिबेलम एंड मेडुला मेड्यूलाब्लंगाटा जो आपका सेरिब्रम होता है इज अ सीट ऑफ यू नो मेमोरी थाट रीजन्स लॉजिक एसेट्रा एंड इट कंट्रोल द कॉर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट एंड टॉकउट द सेबरम इट कंसर्न विद द बॉडी क्लिब्रियम एंड ऑब्लॉकाटा कंट्रोल द इन वॉलेंट्री एक्टिविटी यू नो लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग नाओ गाइज टॉकिंगबो अब द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर तो प्रोडक्शन क्या होता है लीवर में जो फॉर्म वो होता है गाइज वो यूरिया फॉर्म होता है ठीक है तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है और नाओ गाइज टॉकिंगब आउट दी अदर थिंग ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करती है गाइज ठीक है ये किस को डिटेक्ट करती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका स्मेल ठीक है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एंड गस्टडी रिसेप्टर विल डिटेक्ट वॉट इसको मतलब इट विल डिटेक्ट द स्मेल तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट इसका आई एम वेट अ मिनट गाइज ठीक है या गाइज इट ये स्मेल नहीं होगा स्मेल तो प्रीवियस वाला था तो ये वाला होगा टेस्ट गाइज सलावेस हम जब टेस्ट लेते हैं तो गस्टडी रिसेप्टर उससे डिटेक्ट होता है ठीक है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर द एन्जाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डैश सो पैप्सिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वॉट गाइज इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके प्रेजेंस से पैप्सिन इनएक्टिव हो जाता है तो द पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली इफेक्टेड द निमोनिया तो निमोनिया से क्या होता है गैस रेस्पिटरी सिस्टम ठीक है सांस लेने में दिक्कत होती है एन ऑल तो ये आपका विटामिन डी होगा ठीक है तो उसमें क्या होता है कि रिजल्टिंग इन चेस्ट पेन स्वेलिंग ऑफ ब्रीथिंग एन ऑल ल्यूकोपिन इज अ एंटी ऑक्सीडेंट ठीक है नॉर्मली प्रेजेंट इन हाई लेवल तो ये लीकोपिन जनरली होता है गाइज़ ये टोमेटोज में प्रेजेंट ज़्यादा होता है ठीक है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग गाइज़ वेरी वेरी अदर थिंग्स ये है कि आपको मैं बोलूँगा कि आप एन को बहुत अच्छे से पढ़िए एंड रेस्ट अ पार्ट जो है आपको ये जो सीरीज़ में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उस रिलेटेड टॉपिक्स आप एग्ज़ाम्स में पढ़िए ठीक है आपको क्योंकि ये वाला जो सीरीज़ है ये जस्ट फॉर द रिवीजन था जो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे ये मैंने सीडीएस इवन मैंने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझाए सो गाइज आकर आपको इस ये इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी ठीक है तो गाइज़ आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और ये वीडियो चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं ठीक है थेके? और ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं ठीक है थेके? अगर हमें आपको अच्छा लगा हम सपोर्ट करना चाहते हैं ठीक है होल हार्टेडली तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें मतलब बताते रहिए कि क्या आपको चाहिए ठीक है उसी नीड के अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे सो गाइज टिल देन और थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल वी विल मीट यू सून